जो करेगा काम उसका लेंगे नाम जी, जो काम कर रहा है सही हम उसको वोट देंगे। तनख्वाह टाइम पे नहीं दी जाती है, जात बिरादरियों में बांट दिया देश को। हम वोट उसको देंगे जो हमारे कॉलोनी का सुधार करेगा। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं नरेला क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 में। जैसे कि हम सभी जानते हैं MCT के चुनाव होने वाले हैं, और इस समय हमारी जनता किसको वोट देकर ये चुनाव जिताना चाहेगी और क्यों, जानते हैं इन्हीं से, इन्हीं की राय, इन्हीं की मुंह जुबानी। आइए। हमारा नाम तनवीर भारती है, और आपने सवाल किया है ये कि हमारे यहाँ की जनता वोट किसको करेगी। वोट हमारे दिल्ली की जनता अब की बार उसको करेगी जो करेगा काम उसका लेंगे नाम। BJP को 15 साल MCD देकर देख ली, MCD का हाल 10 सालों से कितना बुरा दिल्ली के अंदर है। हर साल तो कूड़ा सड़कों पे पड़ा रहता है, तनख्वाह टाइम पे नहीं दी जाती है। ये 25-25 करोड़ के घोटाले कर चुके हैं MCD के अंदर। तो अब की बार दिल्ली की जनता सोच रही है क्या आम आदमी पार्टी के हाथ में बागडोर दी जाए, क्योंकि वो विधानसभा दिल्ली सरकार अच्छे से चला रहे हैं, तो MCD को भी सहज अच्छे से चला सके। अच्छा सर, आप ये बताइए क्या आम जनता पार्टी को आप क्यों पसंद कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि उसने जितने वादे जनता से किए थे ना अब से 7 साल पहले, उनमें से लगभग वादे पूरे कर दिए हैं। थोड़े बहुत देखो रह ही जाते हैं, काम चलते ही रहते हैं बराबर। अभी उनके पास टाइम भी है 3-4 साल का, तो उसमें बाकी के काम वो करेंगे। उन्होंने नफरत फैलाई है, मुस्लिम हिंदू अलग अलग कर दो, जात बिरादरियों में बांट दिया देश को। नफरत इतनी फैला डाली कि हमारा देश बंटा धार में चला गया। GDP जो आज बांग्लादेश से नीचे है ना हमारी, ये नफरत के कारण आई है। हम तो केजरीवाल को चाहते हैं। क्यों? सारे काम बढ़िया कर रहा है। फिर भी जैसे इसमें आपकी क्या राय है? जैसे महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया सुविधा कर दी है उन्होंने, घर घर में पानी बिजली फ्री कर दिया है, और बाकी जितनी भी लोगों को अस्पताल की दिक्कत थी, दवाइयों की दिक्कत थी, सभी तरफ प्रकार की दूर कर दी गई है। और सर इसमें आपकी क्या राय है? मैं भी जी केजरीवाल को सपोर्ट करूंगा जी। मैडम सर आपकी राय इसमें क्या है, आप क्यों उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं? ठीक है जी, देखो अस्पतालों में सुविधा भी अच्छी अच्छी दी गई हुई है, और काम धंधे में भी थोड़ा बहुत चेंजिंग पा रहे हम। बाकी तो जब से BJP की सरकार आई है जब से तो बस गरीब आदमी कहाँ रह गया, 500 कमाते 500 में भी पूरा नहीं पड़ता इस टाइम। हम नेता चाहे किसी भी पार्टी के हो, देखो लेकिन काम करने वाला चाहिए। हमारे जो काम करेगा, हमारे जो काम आएगा, हमारी दुख सुख में शामिल होगा, उसको वोट देंगे। वोट करेंगे। आपके क्षेत्र में कौन निगम पार्षद है, क्या उनसे आप खुश नहीं हैं? उन्होंने कोई कार्य नहीं कराया आपके क्षेत्र में? निगम पार्षद हम तो जानते नहीं कौन है क्या है, कभी देखा ही नहीं, कभी ना हमारे एरिया में आया है ना कोई काम करवाया है। इतनी गंदगी फैल रही है कॉलोनी की, चार चौफेरे में कोई सफाई करने वाला नहीं, कुछ नहीं है। तो MCD बिल्कुल ही निकम्मी है, कोई काम हो ही नहीं रहा। हमारे कॉलोनी के बाहर जो कूड़ेदान है उसमें देखो बाहर एक किलोमीटर तक गंदगी फैली हुई है। कॉलोनी की सफाई वालों तो बिल्कुल बेहतर, इतना बुरा हाल है कि देखा नहीं जाता। चारे पास कोई भी ना निगम पास है ना MCD का, दूसरा तीसरा कोई आदमी नहीं आया। अब की बार इलेक्शन MCD का इलेक्शन होने वाला है, किस पर दांव खेलना चाहोगे? ये तो मौके का टाइम देखेगा जी, मौका देखे मौके पर चौका चलता है। क्या किसको देखे? निगम पार्षद BJP से है क्या? BJP सब ऐसे दले मिले हैं सब, ये BJP वाले आम वाले और कांग्रेस वाले सब एक ही बात, रात को शाम को एक जगह भर के खाना खाते हैं, एक चट्टे बटे हैं। बस किसी को भी देख लो, कोई पार्टी भी देख लो, सारियाँ पार्टियाँ देख रखी है, कोई नहीं किसी की सुनवाई करता। काम हुआ आपके क्षेत्र में? कोई काम नहीं, जहाँ से 20 साल से यहाँ रोल रहे हैं जी। जंगल था ना, सांप निकलते थे, इतना सांप निकलते, उन्होंने को देख देख के हमारा यहाँ जीना राम हो गया। बच्चे हमारे सोते नहीं थे, पानी कहीं कहीं जाके लाना पड़ता, अब भी पानी जो आता ना खारा पानी आता। कोई किसी की नहीं सुन रहा, सब आप अपनी कर रहे हैं नेता लोग। हम वोट उसको देंगे जो हमारे कॉलोनी का सुधार करेगा। हमने बहुत देख लिया, सब सरकारों को देख लिया, मोदी जी करते हैं। मोदी जी का कोई भी हमारे पास यहाँ आया वो B4 में पंजाबी कॉलोनी में, भाई आपकी समस्या बताओ, नाले टूटे पड़े हैं, इसमें एक बार बच्चा भी गिरा था मरा था, हमारी कोई सुनाई नहीं है जी। हम तो हाथ जोड़ के थक गए इनके आगे। अब जो कॉलोनी का जो सही काम करेगा हम उसको वोट सब देंगे जी, जो काम कर रहा है सही हम उसको वोट देंगे। फिर भी इसमें आपकी क्या राय, आप किसको वोट करेंगे? वो तो जी आने वाला टाइम ही बताएगा, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। फिर भी आपको भी पता होगा आपके क्षेत्र में किसने क्या काम करवा रखा और कैसे? हमारे क्षेत्र में केजरीवाल ही काम कर रहा है, हम केजरीवाल को ही वोट देंगे। एक यही सरकार एक आई है कि जो आम आदमी और आम आदमी के लिए ये फायदेमंद है, ठीक है।
और आम आदमी को बहुत बेनिफिट दे रही है, जैसे कि बिजली का बिल, जैसे कि महिलाओं के लिए बस में फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, हॉस्पिटल का देखो आप, स्कूल का देख लो, ठीक है, जो बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे थे वो बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, वो यूँ जा रहे हैं कि भाई वहाँ की अच्छी सफाई अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है, पूरी हॉस्पिटल की मतलब पूरी स्कूल की ऐसे ही चमका दिया जाए कुछ जवाब नहीं। सरकारी ऐसी हॉस्पिटल का भी यही हालात है, पहले हॉस्पिटल में जाने के लायक नहीं था, अब देख लो हॉस्पिटल की आप कैसी हालात, बहुत अच्छी है और ऐसे सरकार आनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं जी आम आदमी पार्टी की सरकार बने, MCG में भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार बननी चाहिए, क्योंकि जो हमारे पहले यहाँ के पार्षद हैं निशामान जी, अब कभी भी वो हमारे इलाके में कभी आए नहीं है, अब हमारी कॉलोनी के बारे में देख लो घूम के, कहीं साफ सफाई का कोई नहीं ध्यान, कितनी बार हमने कंप्लेंट कर चुके हैं, हम वेदमान जी को भी मिल चुके हैं, उनके बारे में भी कुछ नहीं है, ना हमारे यहाँ पे आज तक कोई स्वीपर दिया गया है, B4 वाले वासियों को के लिए कोई भी स्वीपर नहीं दिया गया कोई साफ सफाई के लिए। जैसा कि हमने देखा और सुना इनकी मुंह जुबानी कि इनकी सोच क्या है, देखते हैं बाकी जनता का क्या डिसीजन होगा, वो किसको यह चुनाव जिताना चाहेंगे। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल्ली समाचार।